यार तो कैसा लगा है चश्मा, मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। है लग रहा हूँ थोड़ा सा, है लग रहा हूँ थोड़ा सा है। हेलो करो, हेलो हेलो, ऐ गंदा है, हेलो नहीं करता, इग्नोर मार रहा है अभी। हेलो पाँव के साथ करता है, देखो पाँव के साथ हेलो कर लेता। हेलो हेलो, सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। तो हम तो एकदम मस्त ही है, क्यों है ना। बिल्कुल मस्त है, तभी तो ऐसे घूमे हैं हर जगह। तो ऐसी बात है, तो मैंने बोला था कि कविता ब्लॉग स्टार्ट करेगी, तो अभी इसको इतना वो नहीं पड़ रहा है, हौसला नहीं पड़ रहा है कि मतलब कैसे करूँ। तो एंड करवाया होता इससे तो बहुत हिचकिचा रही थी कि मतलब अंदर से इससे बोला नहीं जा रहा था। और जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे बर्फ की धार दिख रही है बिल्कुल छोटी, देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको। वाओ यार, कब जाएंगे हम यहाँ पर इतने बर्फ पे, मरने जाना उधर मरने का। हाँ ये होनी मनाली वाली होनी, टॉप रोहतांग वगैरह है पीछे। तो ये ऐसे होते हैं गांव के घर, तो आप देख सकते हैं इनको, जो पुराने घर है गांव वाले। तो ये है, ये किसका घर है वैसे, है तेरे को कुछ पता इसको? ये पुराने वाला घर होना ऐसा बोल रही है, तो इसको इतना पता है नहीं। और ये जो हमारे पीछे घर दिख रहा है, ये है मामू जी का, नानी जी का, मतलब इकट्ठा ही है सबका। तो ये वाला घर, तो ये इस साइड भी पता नहीं किसका है। तो मामू का ही है, चाचा ताए में, चाचा ताए में मामू का ही है। और जो ये दिख रही है सामने हाथीदार, तो मैं बैक कैमरे से ही बताता हूँ इसको भी। तो ये है सामने वाली हाथीदार, जो मैं बोल रहा हूँ हाथीदार हाथीदार ये वाली। और इधर से कुछ अलग ही है, और ये जो धार है नीचे वाली, इधर है जो मेरा ससुराल, ये टॉप धार दिख रही है आपको इधर, इससे नीचे है मेरा ससुराल। तो वहाँ आप देख सकते हैं यार कितना अच्छा ये है। और ये है इनके खेत वगैरह इधर जो भी है, और यहाँ नीचे लगाए हुए सेब के पेड़। तो देखते हैं अगर मेरे को टाइम लगा जाने के लिए, यहाँ नीचे हैं सेब के पेड़। तो आज जो है, हमने आपको बोला होता पिछले ब्लॉग में कि नानी के घर का टूर देंगे, कि कैसे हिमाचली मतलब हिमाचल विलेज लाइफस्टाइल कैसी होती है और कैसे घर होते हैं यहाँ के हिमाचल के। तो हम आज उनको बताएंगे आपको, चलो मिलते हैं बाद में। तो ऐसा दिखता है कुछ नानी के घर से व्यू, ये वाली धार है वो, इस धार से परली वाली साइड है हमारे घर, और देख सकते हैं आप। और इधर जो है नीचे है भेड़े, आपको दिख रही होनी। और एक छोटा सा हुआ इधर, देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये बैठा हुआ इसके पास, तो एक छोटा सा हुआ इधर इसका भेड़ का बच्चा। तो ये है, ये इधर गाड़ियाँ लगी हुई है, और ये इस प्रकार से कुछ घर है आप देख सकते हैं, जो हिमाचली घर होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, मतलब पूरा होम टूर बताऊँगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और एक ये छोटा सा बकरी का बच्चा है, छोटा सा मेमना है, और इसको जो है नानी दूध पिला रही है। देखो कैसे पी रहा है दूध। चलो मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बड़े वाले नानू जी के घर। तो फिर नानू जी के घर या नानू जी के बेटे के, नानू भी उधर ही है और मामू भी है, साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। तो उधर जा रहे हैं हम, तो जाते हैं उधर जाके फिर। तो चलो मिलते हैं उधर जाके। तो अभी इसको सिखा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, तो स्टार्टिंग तो नहीं कर पाई है, बट बीच बीच में बोल रही है जैसे भी। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा बोलो। तो अब मतलब जैसे कि अब स्टार्टिंग यही करेगी ब्लॉग की, बीच बीच में इसके भी आएंगे, मेरे भी आएंगे। चलो मिलते हैं उधर जाके। तो आपको मैं नानी का घर का आज होम टूर भी देने वाला हूँ, तो देखते हैं इसके बाद जैसे हम यहाँ से वापस होंगे, तो उसके बाद हम नानी जी का पूरा घर बता देंगे कि कैसे क्या है, मतलब पूरा जितना भी वो होता है हिमाचली विलेज लाइफ स्टाइल का, जैसे गाँव के घर होते हैं तो पहाड़ों के, मतलब यहाँ जो है पहाड़ों में घर होते हैं तो किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से क्या, तो हम बता देंगे। तो चलो मिलते हैं बाद में। तो अभी आ गए हम इसके मामू जी के घर से बैठ के। तो मामू जी ने दे दिए मतलब इसको एक सूट दे दिया, और मेरे को जो है वर्दी दे दी सिलाने के लिए, जो पैंट कमीज होती है, मतलब जैसे रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से। तो मतलब ये जिस दिन आए नहीं थे, जिस दिन बुलाया था इनको, तो उस दिन नहीं आए हुए थे,
तो आज हम जो है मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम जो है सभी के घर जाना पड़ता है, तो अभी हम बस ऐसे ही काट रहे हैं गांव का चक्कर। तो चलो अब जा रहे हैं इसके कौन से मामू वाले, कौन से मामू के घर, जो इधर है ना मामू, उनके बड़े वाले भाई के, मतलब जहाँ पर हम आए थे उनके बड़े वाले भाई के घर जा रहे हैं। तो चलो वो मिलते हैं फिर बाद में वहाँ जाके जाने के बाद। तो चलो ठीक है यार, यहाँ पर आ गया एक डॉग का छोटा सा बच्चा। हेलो 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 करो, हेलो 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 करो। ये जो है खाने के लिए ढूंढ रहा है, तो हम इस टाइम खाली हाथ आए हुए हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं है। ओह यो यो यो, हेलो करो, हेलो हेलो। अरे गंदा है, हेलो नहीं करता, इग्नोर मार रहा है अभी। हेलो पाँव के साथ करता है, देखो पाँव के साथ हेलो कर लेता। हेलो हेलो, और यहाँ से देख सकते हैं आप यार क्या अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब यहाँ से पीछे मतलब देख सकते हैं आप अल्टीमेट यार, देख ही लीजिए। तो ये है वो प्रासर, जो प्रासर ऋषि है ना वहाँ की धार है, जो यहाँ बर्फ पड़ी है स्नोफॉल जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है, ये है प्रासर की धार। हम देखेंगे एक दिन, इधर भी जाएंगे घूमने जाएंगे, प्रासर का टूर भी बनेगा एक दिन का, देखते हैं। तो चलो मिलते हैं बाद में। सो अभी जो है हम आ गए हैं सारी जगह से घूम फिर के, तो अब बताने जा रहे हैं हम जो नानी के घर। तो मैंने बोला हुआ था कि आज नानी के घर का होम टूर देंगे कि कैसे घर होते हैं कैसे क्या होता है, तो चलो बताते हैं फिर आपको। सो फाइनली ये है नानी जी का घर। तो इस साइड ये बड़े मामू का है, तो इस साइड छोटे मामू का, मतलब बीच से आधा आधा किया हुआ है तो दोनों को। तो अब बताते हैं आपको अंदर जाके। तो ये है मामू, छोटे मामू जी की बड़ी बेटी, तो ये चला रही है साइकिल इधर, तो छोटे वाली मैंने कल ही बता दी है। तो अब बताते हैं थोड़ा सा अंदर का व्यू। तो अभी आपको बताने जा रही है कविता। तो कविता सबसे पहले हमने किधर जाना है, किचन ही बता देते हैं पहले। हाँ तो चलो किचन में चलते हैं, तो आपको बताते हैं किचन। तो चलिए, तो ये चली हुई है कविता। तो यहाँ से है किचन का दरवाज़ा। तो बताओ, तो ये है किचन। तो यहाँ पर जो है ये मतलब तंदूर लगा हुआ है, तंदूर वाले चूल्हे होते हैं, और जो दूसरे चूल्हा है तो बता नहीं रही, ये है खड़ी हो गई है, बोला इसने कि मैं बताती हूँ। और जो दूसरे वाला ये है, एक्चुअली तंदूर का ऐसा है, जब मतलब ठंड होती है तो तंदूर सेकने के लिए मतलब अच्छा होता है, तो मैं तो मेरे को तो सिर चकराता है तंदूर के पास बैठ के, तो मैं लकड़ी वाला चूल्हा ही हो करता हूँ। तो दूसरा रूम रहा ये वाला, तो इधर जो है ये वाला है दूसरा रूम। तो इधर रहते हैं नानी जी, थोड़ी सी लाइट ओपन कर लो, तो इधर सोते हैं नानी जी। तो इसके नीचे जो है रूम वो है मामू जी का, तो मतलब ये हो गए छोटे मामू जी के रूम। तो उसके बाद जो है ये इस साइड वाले हैं बड़े मामू जी के रूम। तो अब इधर तो घुस नहीं सकते, ताला लगा हुआ है, तो अभी जो है घर में नहीं है, तो अब इतना ही बताते हैं। तो चलो चलते हैं अब कहीं और। तो हमने बोला था कि थोड़ा सा बता देंगे, तो हमने बता दिया ऐसे है घर हमारे, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी एरिया है उनके घर ऐसे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा बर्फ़ गिरता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होती है, तो अभी तो नहीं हुई है, बट थोड़े टाइम पहले हुई थी, मतलब जो थोड़ा इससे मतलब 15-20 दिन पहले यहाँ स्नोफॉल थी, तो अब इधर पिघल गई हुई है, तो अब पीछे पीछे रही हुई है। जो मैंने हाथीदार बताया उधर स्नोफॉल है और वहाँ टिकी हुई है ना, तो इसके इसके घर भी पड़ती है, तो इसके घर भी टिकी हुई थी, तो ऐसी बात है। तो मैं हमना जो है नीचे से मैं कर रहा है हमको देख के मैं बता दूँ ये कैसे देख रहा है, तो देखिए बिल्कुल ऐसे देख रहा है हमें। अब तो देखो इग्नोर कर दिया इसने भी, पहले हमें देख रहा था, अब देखो अब देख रहा है ऊपर की ओर, तो ये हमें देख रहा था, तो ऐसा। तो चलो मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर के बाद देखते हैं अब क्या होता है। सो फाइनली तो अभी हो गया है अंधेरा, तो आपने देख लिया होम टूर मैंने नानी के घर का दे दिया है। तो मैंने बोला था जो होम टूर देना था वो मैंने जो है फाइनली दे ही दिया है। तो आपकी भाभी तो अभी इधर है नहीं, जो कविता थी वो इधर है नहीं, तो जैसे कि उसने बीच में देखा है आपने कि उसने ब्लॉगिंग की थी, तो ऐसी बात है। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म। जो मेरे चैनल पर अभी नए नए आए वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं न्यू ब्लॉग डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।